ये जो पहली रीडिंग है 0.985, ये ए स्टेशन पे ही पड़ी गई है। क्यों? क्योंकि इसका आरएल हमें पता है, और ये रीडिंग जोन सी है बैक साइड रीडिंग है। क्लियर है? अब वो हाँ क्वेश्चन जी सर। एंटर द रीडिंग्स इन लेवल बुक। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारी रीडिंग्स को लेवल बुक में भरो। अब आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट है लेवल बुक का, वो टेबल है आपने अपने पेपर में बना लेना है। तो उसके अंदर हमने क्या करनी है, ये रीडिंग्स एंटर करनी है, भरनी है, एंड वर्कआउट द रिड्यूस लेवल्स। और बोलता है कि सारे रिड्यूस लेवल्स निकालो बाई कॉलिमेशन मेथड। वो कह रहा है कॉलिमेशन मेथड से निकालो। कॉलिमेशन मेथड कह लो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कह लो, एचआई मेथड कह लो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड कह लो, सब एक ही है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कॉलिमेशन मेथड से कह रहा है निकालो। ऑल्सो अप्लाई द अरिथमेटिक चेक। अब स्टूडेंट देखो, जैसे हम कंपास सर्वेइंग में चेक अप्लाई करते थे ना एंड में, जिससे हमारा चेक होता था कि हमने सारी वैल्यू सही निकाली है, ऐसे ही इसके अंदर भी रिड्यूस लेवल्स के क्वेश्चन में भी, लेवलिंग में भी चेक लगता है एंड में। उससे अगर वो चेक सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि हमने सारे आरएल जोन से हैं वो सही निकाले। ठीक है? क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो, सबसे पहले तो पता करो ये केस है कौन सा, क्योंकि सिंगल सेटिंग है तो ये केस कौन सा है, ये सिंपल लेवलिंग का केस है। तो सबसे पहले आपने लिख देना है दिस इज द केस ऑफ सिंपल लेवलिंग। अब देखो स्टूडेंट, ये मैं जब भी मैं आपको सर्वेइंग का क्वेश्चन कराता हूँ, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। देखो मैं ये नहीं कहता कि डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम के बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि एरर के चांस कम हो जाए, गलती के चांस कम हो जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायग्राम के नंबर लेवलिंग में नहीं होते। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, पर क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं, आपको डायग्राम से बेहतर समय लगेगा, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अगर आप पेपर में डायग्राम बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके भी गलती के चांस कम रहेंगे। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट पक्का रूल नहीं है कि डायग्राम बनाना ही बनाना है। ठीक है? बाकी ये टीचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई टीचर है जिसको डायग्राम चाहिए तो वो नंबर उसके काट लेता है अगर नहीं बनाया हो। वैसे लेवलिंग में कोई डायग्राम के नंबर नहीं होते। ठीक है? पर फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये क्या है, हमारा ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस में ए पॉइंट, ये ए पॉइंट लगा लिया हमने। अब ए पॉइंट पे हमें आरएल स्टाफ रीडिंग कितनी ली गई है बताओ मुझे। देखो आरएल ऑफ, 87.125 मीटर। जो ये वो जो आप कह रहे हो स्टूडेंट, वो रिड्यूस लेवल है, समझो बात को। आरएल ऑफ स्टेशन ए, स्टेशन ए पे आरएल कितना है, इस ए स्टेशन पे, ये जो ए स्टेशन रहेगा इस पे पहला स्टेशन है ये, तो इस पे आरएल कितना है 87.125। अब इसी स्टेशन पे पहली रीडिंग ली जाए।